गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में साइबर क्राइम से रिलेटेड बात करना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम आज की डेट में सबसे ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप आदि एप्लीकेशन जो यूजर डे टू डे लाइफ ज़्यादा यूज कर रहे हैं उससे होता है। चलिए मैं आज सारी चीज़ों को बताऊंगा। आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं साइबर सेल हजारीबाग। कल साइबर सेल हजारीबाग पुलिस की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन ट्विटर में शेयर किया गया जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है। आप सभी को मैं एक एक करके बताऊंगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट्सएप यूजर निम्न बातों पर ध्यान दे। जो फर्स्ट पॉइंट है, अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक ना करें। इस पॉइंट से मतलब यह है कि आज के डेट में आपके नंबर पर नोन पर्सन के द्वारा बहुत सारे मैसेज आते हैं, एज वेल एज अननोन नंबर से भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। यदि कोई मैसेजेस आ रहे हैं आपके नंबर पर और ख़ासकर लिंक दिया हुआ हो जो कि अनजान नंबर हो और अनजान लिंक हो आपके लिए, तो आप कभी भी उस लिंक को ओपन ना करें। चाहे क्यों ना उसमें आपको बताया जाए कि आप क्लिक करेंगे तो आप ये प्राइज़ जीतेंगे या ये चीज़ जीतेंगे या इतने कैशबैक लेंगे, तो प्लीज़ आप इसको क्लिक करने से बचें। क्योंकि आप यदि क्लिक करते हैं इसका मतलब है कि आप अपने फ़ोन का राइट आप दूसरे यूजर को दे रहे हैं। सेकेंड पॉइंट पर बात करना चाहूँगा, अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए QR कोड को भी स्कैन ना करें। आप शायद न्यूज़ भी देखे होंगे, आज से 4 या 5 महीने पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी की बेटी के साथ भी ये स्कैम हुआ था, जिसमें QR कोड के हेल्प से जो है आई थिंक 33,000 या 34,000 जो है उनके अकाउंट से कट गए थे। तो QR कोड आज के डेट में बहुत आसान है, आप सभी भी आराम से इस QR कोड के तहत जो है आप पैसे किसी से ले सकते हैं। बहुत ही आसान है, मैं इस चीज़ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। QR कोड आप सभी जानते हैं, आप मार्केटिंग करने जाते हैं या कोई भी छोटे मोटे आप सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि QR कोड का एक कॉपी लगा हुआ होता है। आप सामान परचेस करते हैं और QR कोड स्कैन करके जो भी अमाउंट होता है आप पे करते हैं। तो कभी कभी आपके व्हाट्सएप में QR कोड भेजा जाता है और बोला जाता है कि आप इसको स्कैन करेंगे तो आप 500 रुपये या 1,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन उसका सेटिंग ऐसा होता है कि आप जैसे ही उस QR कोड को आप स्कैन करते हैं और आपके मन में ये चलते रहता है कि 500 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट होंगे, तो वहाँ पर मैसेज ऐसा आता है कि आप उसको बस केवल बिना रीड किए हुए यस 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 कर देते हैं, तो वह 500 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट ना होकर क्या होता है, 500 रुपये आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है उस QR कोड में। तो आप इसे ज़रूर बचें। नेक्स्ट जो पॉइंट है, साइबर कैफे में व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लॉग आउट करना बिल्कुल ना भूले। यस, आज व्हाट्सएप हम सभी केवल मोबाइल फ़ोन में ही यूज नहीं करते हैं, आज के डेट में हम लोग अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जिसे वो बाहर प्रिंट लेना चाहते हैं, तो वह क्या करते हैं कि साइबर कैफे में जाकर वह व्हाट्सएप वेब के थ्रू अपना जो व्हाट्सएप है उसे एक्सेस करते हैं और काम होने के बाद क्या करते हैं कि वहाँ से लॉग आउट नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि वह अकाउंट आपका एक्टिव होता है और वह अकाउंट जब एक्टिव होता है तो कोई भी आपके व्हाट्सएप को मिसयूज कर सकता है। अब यहाँ आता है कि जब आप विंडोज़ को बंद कर देते हैं, आप क्लोज बटन को दबा देते हैं, तो व्हाट्सएप कैसे एक्टिव होता है? क्योंकि आप सभी को लगता है मैंने तो स्क्रीन को बंद किया, मैंने तो विंडोज़ को बंद कर दिया, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि विंडोज़ को बंद कर देना, क्लोज बटन दबा देना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने अकाउंट को आप बंद कर देते हैं। वह कभी भी उस अकाउंट को एक्सेस किया जा सकता है बिकॉज़ आपके अकाउंट एक्टिव मोड में होता है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जब भी व्हाट्सएप वेब आप कहीं भी यूज कर रहे हो तो आप 3 डॉट्स में जाकर व्हाट्सएप के राइट साइड में या डेस्कटॉप में या कंप्यूटर में होते हैं तो लेफ़्ट साइड में 3 डॉट्स दिखता है, वहाँ पर क्लिक करके आप लॉग आउट करना ना भूलें। आप जब लॉग आउट करते हैं तो इट इज़ जस्ट सेम एज़ कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने घर में लॉक लगा के जा रहे हैं। आप यदि लॉक लगा देते हैं तो नो वन इज़ गोइंग टू इंटर इन योर रूम, सो प्लीज़ इस पर ध्यान दें। दूसरी बात जो है वो व्हाट्सएप
से मिलता जुलता फर्जी व्हाट्सएप ऐप डाउनलोड करने से बचे। आज हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस या व्हाट्सएप शेड्यूलिंग और बहुत सारे जो हैं वो अननेसेसरी जो अनऑथराइज होता है वो सारे ऐप को डाउनलोड करते हैं ताकि मैं व्हाट्सएप में और एडिशनल फीचर ऐड कर दूँ। तो मैं बता दूँ कि सारे चीज़ से बचे, बिकॉज़ कोई भी चीज़ आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं, एडिशनली आप यूज करते हैं तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर योर एज वेल एज योर मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अपने व्हाट्सएप पर लॉक लगा कर रखें ताकि आपका मोबाइल कोई ले भी ले तो कोई आपके व्हाट्सएप को एक्सेस ना कर पाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहूँगा इसके बारे में बात करने की लॉक कैसे लगाते हैं। तो आप देखेंगे मैंने अपने व्हाट्सएप में लॉक लगाया है, आप देख रहे हैं कि जब मैं व्हाट्सएप खोल रहा हूँ तो ये हमसे फिंगरप्रिंट मांग रहा है, तो जब मैं प्रिंट लगाऊंगा तो ये लॉक खुल जाता है। कैसे लॉक लगाते हैं तो आप देखें, यहाँ पर आप थ्री डॉट्स में जाएं, सेटिंग में जाएं, आप अकाउंट्स में जाएं, आप अकाउंट्स में जाने के बाद आप सिक्योरिटी में जाएंगे। आप सिक्योरिटी में जाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आप सारी चीज़ यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से आप अलाउ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है आप यहाँ पर प्राइवेसी में जा सकते हैं, प्राइवेसी में आप वो सारे सेटिंग कर सकते हैं, लास्ट सीन नोबडी, प्रोफाइल फ़ोटो जो है आप चाहते हैं किसको किसको आप दिखाना चाहते हैं तो आप ये दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ पर किया है माय कॉन्टैक्ट्स, यानी जिन लोगों का मैं नंबर सेव किया हूँ वो देख सके। अबाउट माय सेल्फ, तो माय कॉन्टैक्ट है, स्टेटस कौन देख सकते हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट में हैं, ग्रुप जो है, ये सारे सेटिंग है जो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए प्राइवेसी में मैंने यहाँ फिंगरप्रिंट लॉक लगा दिया है और मैं चाहूँगा कि आप सभी इस लॉक को एक्टिव कर लें। इसको लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, फिंगरप्रिंट में जाकर आप यहाँ पर आप देखिए अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट, यहाँ से आप ओके कर दें और यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं इमीडिएटली जो है आप व्हाट्सएप से बाहर निकलते तो इमीडिएटली वो लॉक हो जाए, आप चाहते हैं आफ्टर 30 मिनट्स, तो यहाँ से आप एक ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने लगाया आफ्टर 1 मिनट। तो आप इस तरह से अपने व्हाट्सएप में लॉक लगा दें ताकि बाई चांस यदि आप किसी को फ़ोन देते हैं तो वो आपके फ़ोन आपके व्हाट्सएप को मिसयूज ना करे। नेक्स्ट यहाँ आप देख रहे हैं व्हाट्सएप पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करें। यस, दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम सभी को करना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या है। ये फीचर्स व्हाट्सएप में 2 साल पहले आए थे। इस फीचर्स के बारे में बता दूँ कि ये फीचर्स क्या है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है टू स्टेप वेरिफिकेशन। ये क्या है कि यदि इसे आप इनेबल नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई भी आपके फ़ोन का जो आपके नंबर का जो व्हाट्सएप चल रहा है वो अपने फ़ोन में एक्सेस कर सकता है। उसके लिए क्या होता है, एक OTP लेना होता है और OTP वो आसानी से आपके क्लोज होंगे तो आसानी से वो आपके फ़ोन से चोरी से भी ले सकता है और सारे आपके व्हाट्सएप जो है वो यूज कर सकता है। तो ये टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है कि यदि कोई आपके नंबर वाले व्हाट्सएप को अपने फ़ोन में अपने डिवाइस में यूज करना चाहे तो उन्हें पहले सिक्योरिटी ऑप्शन देना पड़ता है। तो मैंने अभी जानबूझ के एक्टिव नहीं किया है आप लोगों को बताने के लिए। तो देखिए टू स्टेप वेरिफिकेशन करने के लिए आप क्या करें, इनेबल करेंगे तो यहाँ से आपसे 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपसे मांगेगा। आप कुछ भी सिक्योरिटी पिन आप दे सकते हैं और यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मेल आईडी दे सकते हैं जिससे कि आपका यदि ये भूल जाते हैं तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ मेल आईडी दे दिया, मैंने फिर से इसे रिपीट कर दे रहा हूँ और मैं इसे सेव कर दिया। तो अब इस टू स्टेप वेरिफिकेशन से क्या होता है कि यदि कोई आपके क्लोज जो हैं वो आपका नंबर का व्हाट्सएप अपने फ़ोन में चलाना चाहता है तो OTP उससे बाद में मांगा जाएगा। सबसे पहले टू स्टेप वेरिफिकेशन का पिन मांगा जाएगा उससे और यदि वो पिन गलत डालता है तो ही और सी कैन नॉट एक्सेस योर व्हाट्सएप अकाउंट। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ये सिक्योरिटी पर्पज़ को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। हम चाहेंगे कि आप यदि अपने फ़ोन को अपने क्लोज लोगों को देते हैं तो प्लीज़ इसे आप एक्टिव कर इनेबल करके रखें। चलिए अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर बात करता हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है आपका अपने व्हाट्सएप को अपडेट हमेशा रखें। यस, आप देखते हैं टाइम टू टाइम अपडेशन आता है, कुछ लोगों जो हैं कुछ लोग होते हैं कि वो अपडेट नहीं करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये अपडेट करना बहुत आसान है, वो अपडेट का इन्फॉर्मेशन भी आ जाता है। आप
उसे अपडेट करें। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, अपने व्हाट्सएप पर मीडिया एंड डॉक्यूमेंट फाइल को ऑटोमेटिक डाउनलोड ऑप्शन को ऑफ करके रखें। यस, ये भी फीचर्स है। क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो व्हाट्सएप का जो डॉक्यूमेंट है, वीडियोस है, वो क्या करते हैं, जैसे ही नेट मिलता है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड का ऑप्शन हम लोग ओपन करके रखते हैं। इसे हम लोग बंद करके रखें। कैसे बंद करके रख सकते हैं, तो आप यहाँ पर जाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर चैट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर मीडिया विजिबिलिटी, फॉन्ट साइज़, ये सारा चीज़ ऑप्शंस है यहाँ पर। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा, जस्ट वन सेकेंड कि यस, देखिए मैंने यहाँ पर स्टोरेज एंड डेटा में गया और यहाँ पर देख रहे हैं नेटवर्क यूजर्स लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, व्हेन कनेक्टेड वाईफाई, तो इस सारा ऑप्शंस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। मीडिया ऑटो डाउनलोडेड, वॉइस मैसेजेस आर ऑलवेज ऑटोमेटिकली डाउनलोड। मैंने केवल वॉइस मैसेजेस को ऑटोमेटिकली डाउनलोड का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर आप क्लिक करके जो है इसको आप चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर जाकर चेंज कर सकते हैं। तो ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं जो बात करने जा रहा हूँ, व्हाट्सएप अकाउंट ओपन करते समय प्राप्त होने वाले OTP को किसी को भी ना बताएं। तो मैंने इससे पहले वाले भी वीडियो में बताया था कि OTP वन टाइम पासवर्ड, OTP स्टैंड्स फॉर वन टाइम पासवर्ड, जो कि आप किसी को शेयर ना करें। यदि आप OTP जनरेट कर रहे हैं तो ठीक है, यदि आपके फ़ोन पर आप OTP जनरेट नहीं किए हैं और OTP आ रहा है तो इमीडिएट उस OTP को आप डिलीट कर दें। सो आज मैंने इस अपने इस वीडियो में इस सारे पॉइंट्स जो मुझे लगा कि आप सभी से शेयर करना चाहिए, मैंने शेयर किया। मैं फिर से बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन ट्विटर में साइबर सेल हजारीबाग पुलिस की तरफ से आया था और ये सारी डिटेल्स मैं आप सभी से शेयर किया हूं। एंड आई होप कि सारे डिटेल्स, सारे जानकारी जो हैं आप सभी को बेनिफिशियल हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।